जय श्री कृष्णा, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आपकी फरमाइश पर मैं फिर से डंग हेयर की वीडियो बना रही हूं। इसमें मैं दिखाऊंगी आपको खड़े होकर कैसे हम बालों को डंग कर सकते हैं, अच्छे से पानी में डुबो सकते हैं और किस तरीके से कौन सा प्रोसीजर हमें फॉलो करना चाहिए। तो देखिए आप, मैंने सबसे पहले स्टूल लिया है और उसके ऊपर टब रखा है। टब में मैंने ल्यूक वॉर्म वाटर भरा है, हल्का गर्म पानी, जो मैंने कहा है कि जब भी आप अगर डंग हेयर करते हैं तो हल्का गर्म पानी ही यूज़ करें। हल्का गर्म पानी हमारे हेड्स के पोर्स खोल देगा, साथ में ऑक्सीजन अच्छे से जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा, जो डर्ट वगैरह होती है वो भी अच्छे से निकल जाएगी, जिससे हमारे बालों की जो ग्रोथ होती है वो बढ़ती है। ये आप देख सकते हो, मैं इसमें आपको पूरा तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से हमें बालों के एक एक पोर्शन को जो है पानी में डुबोना होता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, हमारे बाल जो है होते हैं नेचुरल स्टेट हो जाते हैं। आप कभी भी डंक हेयर करके देखिएगा तो आप इस तरीके से देखना कि आपके बाल स्ट्रेट हो रहे हैं। अभी मैं बिल्कुल सिर नीचे तक डुबो कर दिखाती हूँ, अभी तो वीडियो दूर से बना रही हूँ, नज़दीक से भी दिखाऊंगी। ये देखिए, अब क्या होता है कि जब आप पूरा मुंह पानी के अंदर डालते हैं तो कानों में पानी चला जाना नॉर्मल सी बात होती है। तो कुछ भी ईयरबड या कोई भी कॉटन वगैरह कान में नहीं डालना है। वो कैसे कान से पानी बाहर निकालना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम बालों को डंक भी कर सकते हैं और साथ में अपनी सेफ्टी भी कर सकते हैं। तो मेरे चैनल में अगर अभी आज तक आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपना एक लाइक देकर हमारे उत्साह को और अधिक बढ़ाने में हमारी हेल्प करें। तो अभी नज़दीक से दिखाती हूँ मैं आपको कैसे बालों को डंक किया जाता है, कैसे डुबोया जाता है। सिर को अंदर रखना है और थोड़ी देर के लिए बालों को वैसे ही रखना है। कानों को जो है अगर पानी चला जाता है तो उसको कैसे निकालेंगे वो देखिए। अपने हेड को शेक करना है बाहर निकालने के बाद, और जिस कान की तरफ आपको लगेगा ना कि पानी है उसको उस साइड सिर को झुकाना है, इस तरीके से और इस तरीके से। इस तरीके से करने से आपका जो पानी होता है कानों के अंदर घुसा हुआ वो एकदम से बाहर निकल जाता है। और लास्ट प्रोसीजर इस तरीके से ज़रूर करें। तो ये मैंने आपको डीपली बता दिया है कि कैसे डंक हेयर किया जाता है, और आप भी ज़रूर करें और अपने बालों को फ़ायदा पहुंचाएं डंक हेयर करने से। बस ठंडा या ज़्यादा गर्म पानी यूज़ बिल्कुल ना करें। ठंडी जगह में रहते हैं तो ठंडा पानी बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि इसे हेडेक जो है वो नॉर्मली प्रॉब्लम है। और हाँ, बालों को पूरा डंक करने के लिए नाक को ज़रूर हाथ से बंद कर लें, अदरवाइज़ नाक के अंदर पानी चला जाएगा और डंक हेयर जो है वो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल देगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, जिनको भी लंबे बाल पसंद हैं, छोटे बाल हैं वो भी ज़रूर करें, क्योंकि बहुत फ़ायदेमंद होता है। टेक केयर, बाय बाय।